औरंगाबाद जिला के महरी गांव में। आप लोग जान रहे हैं कि 5 मई से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन सरकार यह नहीं सोच रही कि गरीबों के ऊपर क्या बीत रहा। प्रतिदिन जो कमा खा रहे थे, प्रतिदिन जो भीख मांग रहे थे, झुग्गी झोपड़ी में अपना जिंदगी काट रहे थे, ट्रेन में भीख मांग रहे थे, उनको जिंदगी ऊपर क्या बीत रहा है। आप लोग को दिखा रहे हैं गरीबों का तस्वीर, यहाँ पे सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है, क्या क्या नहीं व्यवस्था की है, दिखा रहे हैं गरीबों का तस्वीर। क्या नाम है आपको? मेरा नाम राजकुमार हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? कोच प्रामा के रहने वाले हैं, कोच थाना। अच्छा, सब्जी बेच रहे हैं? हाँ सर। पहले क्या करते थे? पहले पढ़ाई लिखाई करके यही सब कर रहा हूँ, बैठा हूँ तो क्या करूँ। कुछ नौकरी नहीं मिला है? कुछ नहीं सर। नीतीश कुमार बोल रहे हैं 19 लाख के रोजगार देंगे हम। कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला है। ना मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा से आप ही लोग ने समझ सकते हैं। 19 लाख रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार बोले हैं, आपको नौकरी नहीं मिला? नहीं सर। सब्जी बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं। कितना तक पढ़ाई पढ़े हैं? मैट्रिक किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सब्जी बेचते हैं ये सर। देख रहे हैं गरीबों का तस्वीर, अगला हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको क्या नाम हो भैया? जी हमारा नाम मोहम्मद इमरान आलम है। आप क्यों तक पढ़े हुए हैं? जी हमारा ग्रेजुएशन हमने पढ़ा है सर। अच्छा, ये बताइए कि लॉकडाउन में गरीब जो इंसान है, इंसान खिलौना बन गया, जो कोरोना से मर रहा है उसको लाश का पता नहीं लग रहा, इसका जिम्मेदारी क्या है? गलती किसमें है? आदमी में गलती है या सरकार में गलती है? पूरी तरह से यहाँ पर सरकार में गलती है। सरकार अपने रवैये से, सरकार का जो है ना क्रांतिकारी रवैया जनता के प्रति है, वो बिल्कुल सामने हमारे सामने उभर कर आ रहा है सर। इसमें सरकार को ऐसी अहम भूमिका निभाना चाहिए इसमें कि हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का प्रजा सबसे पहला अहम अंग है, इसी का बदौलत। अच्छा, पढ़े लिखे इंसान है, आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार ने बोला था 19 लाख रोजगार देने के लिए, अब तक नहीं मिला? नहीं सर, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार आता तो सर यहाँ पे हम लोग थोड़ी ना बैठते, क्या करें? रोजगार आता तो अपने अपने काम पे हम लोग करते, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं कि जो कोरोना के मरीज है उनको घबराने का कोई बात नहीं, इसका पूरा जिम्मेदारी सरकार लेगी, फिर भी इंसान खिलौना की तरह लाश क्यों फेंका जा रहा है? सर कैसी जिम्मेदारी की बात करते हैं? कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं है, कहीं पे जगह है तो वहाँ पे इलाज नहीं है, ना तो डॉक्टर्स है, ना तो नर्स है, ना तो सरकार का कोई विधि व्यवस्था है, कैसे कौन सा बीमारी का इलाज होगा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल से बढ़िया तो हमारा अपना घर है। अच्छा अच्छा, गरीबों का मसीहा धड़कन पप्पू यादव माने जाते हैं, कल जेल में चले गए, इसको फिर क्या बोलना चाहते हैं? सर पप्पू यादव जैसा क्रांतिकारी नेता शायद हम लोगों को भविष्य में देखने के लिए वैसा नेता मिले, जो गरीब के, मजलूम के, दबे कुचले हुए का आवाज उठाने, यही तो सरकार का नीति है, जो सच बात बोलो उसको उठाकर जेल में डाल दो। अच्छा सर, पप्पू यादव कल जेल में चल गए, जदयू के नेता है, वो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी वो जेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो गरीबों का धड़कन है, मसीहा है, वो जेल में चल जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल तानाशाही है। तानाशाही के आगे क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है ना, वो हिटलर शाही राज है, क्या आदमी बोलेगा? जो उसका मन में आ रहा अपना मन में कर रहा है। आपको क्या कुमार, आज हम आए हैं औरंगाबाद जिला के मयापुर गांव में, यहाँ सब तो लग चुका है बिहार में, इन पर हम पूछे क्या क्या समस्या, लोग अपना फर्म कोटा है, राशन कार्ड में नाम नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, हम लोग के कोटा बिना तरस रहे हैं, और कि डीलर के पास जाते हैं, डीलर नहीं सुन पाता है, डीलर बोलता है कि चल जाओ बाद में मिल जाएगा। तो आप लोग दिखा रहे हैं गरीबों का तस्वीर। क्या नाम है अंकल जी? अंकल हो जाता है, कोटा मिलता है? नहीं मिलता है। कहा है? डीलर कहता है कि डीलर के पास जाते हैं आप, तो डीलर के नहीं बोलते हैं बनाने के लिए कोटा? बोलते ना है, वो बोलता है, वो कहता कि मिलेगा ना, नाम आप बोलता है कि मिलेगा? मिलेगा ना, ये नहीं बोलेगा, हम लोग गरीब आदमी, भूखा मर रहे हैं, सब इतना डीलर से कजा खाई है कि। अच्छा, आपको नाम क्या हुआ? विनोद यादव। विनोद यादव, आप क्या लड़का आपको है? लड़का क्या करते हैं? बच्चा 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 ना, कुछ क्या नाम है छोटू आपको? पढ़ाई चल रहा है? मिलता है, मिलता है हम लोग को, मिलता है जी। वृद्धा पेंशन मिला बा? मेरे ना ना होलो है ना, अरे वृद्धा पेंशन कहां से मिलता है? अभी हम कैसे कह रहे हैं कि सुख में क्या क्या गलती है? अच्छा, पहले ही से राशन कार्ड जब बनल है जेकरा पर बेचारा दे रहा है। अच्छा अच्छा, तो हम कहे लगे झूठ खा के भाग के देव बेटा आथुन, हमरा दू गो रेगन हथा कमा आथुन, कई बच्चा आथुन, अरे काभी तो पढ़ ही लिखे जुकुर हतु तो कमा तो उनका स्कूल बंद होती ना? स्कूल अब लइकन तो बंद नहीं, सब के टिकट बानी तो उनका लिए नीतीश कुमार अच्छा कर लथिन है कि खराब कर लथिन है? अच्छा कर तो वही ने सोचो कि काहे ओकरा, तो वही ने बतिया पूछे लिए चाची अपने से, हमने तो वोट दी थी। अच्छा, कि सब लालू के वोट दे। अच्छा, अब कैसे कैसे हो जीते तो भगवान जाने, तो सब देख रहे थे आप लोग गरीबों का तस्वीर। लॉकडाउन में बहुत बेरोजगारी छा गया है, इंसान जो कमाने खाने वाले थे प्रतिदिन, उनको घर में बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर में है वो जल्द से जल्द बिहार चले आवे,
घबराएं मत, उनको लिए व्यवस्था करें। लेकिन यहाँ से गरीबों का तस्वीर पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गया है। आप देख रहे थे मघेवाज, हम बोल रहे हैं बबलू कुमार।